अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन रिएक्शन। सो गाइस, टुडेस वीडियो टाइटल इज मोदी सिक्योरिटी वर्सेस इमरान खान सिक्योरिटी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मोदी सिक्योरिटी इंडिया, नरेंद्र मोदी साहब। बिल्कुल ऐसी है। तो भाई ये देखने वाली चीज़, अब इसमें से जो है ना सिक्योरिटी किन की टाइट है, किन की ज़्यादा सख्त है और क्या सीन है। तो मुझे जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन है, मोदी साहब की शायद सिक्योरिटी ज़्यादा सख्त होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिया के ग्लोबली रैंक भी नंबर वन आ गए। बिल्कुल ऐसी है। और मैं वैसे भी जो है ना एक हसन बहुत एक जो है ना हाई किस्म की इकोनॉमी इनकी बहुत ज़्यादा है, एक किस्म की डेवलपिंग इकोनॉमी है, और एक किस्म से एक अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में कहा जाए तो मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे बड़ी एक किस्म की जो ना एक कंट्री है, जो पार्लियामानी सिस्टम जो इन पे चल रहा है, पार्लियामेंट सिस्टम जो कह सकते हैं वो चल रहा है, भी काफी तगड़ा है, जो कि कांग्रेस पार्टी उनके बिल्कुल ऐसे है। और अभी इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र जो है ना वो मतलब इंडिया की तरफ है, इंडिया को हर तरफ से थ्रेट से होते हैं, बेशक वो पाकिस्तान हो, बेशक जो भी कंट्री हो, तो चाइना भी मतलब इनके बॉर्डर के साथ लगता है। मतलब इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली मोदी जी की सिक्योरिटी इमरान खान से बहुत ज्यादा सख्त और ज्यादा हाई क्लास होने वाली है, मुझे लगता है। गाइस, मैं आपको बता रहा था ग्लोबली रैंक नंबर वन, आप ये ना समझिएगा कि इंडिया नंबर वन, ये समझिएगा कि नरेंद्र मोदी साहब की रिसेंटली मतलब एक रैंकिंग जारी की गई जिसमें इंडियंस ने काफ़ी ने ये वोट दिया कि नरेंद्र मोदी साहब अच्छी हुकूमत कर रहे हैं। 70% लोगों ने ये वोट दिया कि नरेंद्र मोदी को हम सपोर्ट करते हैं, जबकि 10% ऐसे जो कि हम चूज नहीं कर सकते और 20% ऐसे जो कह रहे थे हम सपोर्ट नहीं करते। तो मैं कहता हूँ विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत मज़े की वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। इस वीडियो के बाद हम जो है मज़े की डिस्कशन गाइज जरूर करेंगे। तो हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ गाइज स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। हेलो हेलो। किसी भी देश के लिए उसका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सबसे सम्माननीय और खास व्यक्ति होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा भी सबसे सर्वोच्च होती है। इनकी सुरक्षा बाकी वीआईपीज की तुलना में काफ़ी अलग होती है, जिसकी जिम्मेदारी कुछ खास प्रशिक्षित लोगों को दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री मोदी और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सिक्योरिटी की तुलना करेंगे और देखेंगे कि किसकी सिक्योरिटी में कितना दम है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ी कॉमेडी भी मिलेगी। कॉमेडी भी होने वाली है भाई। आई था टाकरा होने वाला है जबरदस्त। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसजी यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप की होती है, जो पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंतर्गत काम करती है। इन लोगों की ट्रेनिंग एक्स अमेरिकन्स और चाइनीज़ टीम द्वारा दी जाती है, जो 9 महीनों में पूरी होती है। इन लोगों को इमरान खान के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से जुड़ी सभी जानकारी आईएसआई द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इन लोगों के पास एएमटी लाइटनिंग पिस्टल और बुलेट प्रूफ वेस्ट मौजूद होती है। इमरान खान की सिक्योरिटी में स्थानीय पुलिस भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। इमरान खान टोयोटा लैंड क्रूज़र और मर्सिडीज़ बेंज का इस्तेमाल करते हैं। उनकी काफिले में एक मर्सिडीज़ बेंज और 2 टोयोटा फॉर्च्यूनर और स्थानीय पुलिस की गाड़ियां शामिल रहती हैं। बता दें कि इमरान खान की गाड़ी फुल्ली बुलेट प्रूफ है, लेकिन उनकी गाड़ी बॉम्ब प्रूफ और ग्रेनेड प्रूफ है या नहीं, इसके बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। सबसे रोचक बात तो ये है कि इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति के काफिले में एक भी एम्बुलेंस की गाड़ी मौजूद नहीं है। खैर छोड़िए, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी संभव है। इमरान खान को 2 लेयर सिक्योरिटी दी जाती है, जो पाकिस्तान में बस 2 ही लोगों को दी जाती है, एक तो उनके प्रधानमंत्री और दूसरे उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। पहले लेयर में एसएसजी के कमांडोज रहते हैं, वहीं दूसरी लेयर में स्थानीय पुलिस रहती है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में ज़्यादा जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक नहीं की गई है। आइए दोस्तों, एक बार इनके वीआईपीस के सिक्योरिटी पर भी थोड़ा नज़र डालते हैं और देखते हैं कि आखिर इनकी सिक्योरिटी कितनी मुकम्मल है। अंदर ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन, दूसरा ये क्या दो दूसरा धमाका हुआ है। और खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला और अहम शख्सियात की सिक्योरिटी पर तैनात फ्लाइंग स्क्वाड पुलिस के 2 अहलकारों को डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। साथ सिक्योरिटी करने वाले जो पुलिस अहलकार हैं उसमें से 2 पुलिस अहलकार अब डाकू भी बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रधानमंत्री मोदी के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। ये यार, प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के 6ठे सबसे ताकतवर व्यक्ति है।
इसलिए उनकी सुरक्षा भी देश में सबसे ऊपर है। सबसे अहम भूमिका स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी निभाती है। एसपीजी 2400 घंटे उनकी परछाई बनकर रहती है, जो प्रधानमंत्री मोदी की हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखती है। एसपीजी का गठन 1985 में हुआ था। एसपीजी के सभी जवानों की ट्रेनिंग सीक्रेट सर्विस ऑफ अमेरिका के तहत दी जाती है। ये जवान आपको हमेशा ब्लैक बुलेट प्रूफ वेस्ट में दिखाई देंगे। इसके साथ ये ब्लैक अल्ट्रा सेंसर गॉगल्स भी पहने होते हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध पर नजर रखी जा सके। ये जवान गॉगल्स के साथ साथ कोहनी और घुटने पर भी पैड पहने होते हैं, और ये हर आधुनिक हथियार से लैस होते हैं। इनके पास अल्ट्रा मॉडल असॉल्ट राइफल्स भी होते हैं, जो AK-47 से 6 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये असॉल्ट राइफल्स 600 से 700 मीटर की रेंज में 900 गोलियां बरसा सकते हैं। असॉल्ट राइफल गाइस मेरे वही याद आई, रेडिकेटियां मारते हैं और ये पानी के भीतर से भी फायर कर सकते हैं। इसके अलावा इन कमांडोज के पास FN-2000 हर्स्टल गन और सेमी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर भी होते हैं। उनके पास कमांडोज किसी भी वक्त हमलावर की जान ले सकते हैं। एसपीजी के जवानों को मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि बिना हथियारों के भी हमलावर का सामना कर सके। प्रधानमंत्री मोदी BMW 7 सीरीज की 760 ली की हाई सिक्योरिटी कार का इस्तेमाल करते हैं। ये कार बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ ग्रेनेड और बॉम्ब प्रूफ भी है। इस कार के ऊपर ग्रेनेड हमला भी इस कार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस कार के शीशे को AK-47 जैसे खतरनाक राइफल्स की गोलियां भी नहीं तोड़ सकती है। ये कार महज 6 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड प्राप्त कर सकती है। इस कार को चलाने के लिए भी खास प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इसकी खास बात तो ये है कि टायर पंचर हो जाने के बाद भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जब कहीं जाते हैं तो उस जगह को स्थानीय पुलिस पूरी तरह से सील कर देती है। पीएम के साथ उनका पूरा काफिला जाता है। उनके काफिले में 2 BMW 7 सीरीज सीडान, 6 BMW X5, 2 टोयोटा फॉर्च्यूनर, 3 टाटा सफारी जैमर, 3 महिंद्रा स्कॉर्पियो, 1 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस और 1 BMW 7 सीरीज की डमी कार भी मौजूद होती है, ताकि हमलावर को चकमा दिया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी को जनता से रूबरू होने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जाना पड़ता है। उन जगहों पर हमले का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी को 5 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी दी जाती है, जिसके पहले लेयर में एसपीजी के जवान मौजूद होते हैं, जो पीएम के सबसे करीब होते हैं। दूसरी लेयर में उनके पर्सनल गार्ड तैनात होते हैं। तीसरी लेयर में NSG के घातक कमांडोज होते हैं। चौथी लेयर में अर्धसैनिक बल होते हैं और पाँचवीं लेयर में स्थानीय पुलिस मौजूद होते हैं। इस 5 लेयर सिक्योरिटी को किसी भी हमलावर के लिए भेद पाना असंभव है, और अगर इसके बावजूद भी कोई हमला करने की कोशिश करता है तो उसे पल भर में ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए ज़्यादातर हमले काफिले पर किए जाते हैं। जब मोदी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वह एयर इंडिया के विमान से सफ़र करते हैं। उनके लिए हमेशा 4 हवाई जहाज तैयार रहता है, ताकि अगर एक में कोई दिक्कत हो तो दूसरे से सफ़र की जा सके। पीएम मोदी हवाई जहाज से सफ़र करने के लिए सीधा एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में प्रवेश करते हैं। उनकी हवाई जहाज का नंबर Air India 1 है। प्रधानमंत्री मोदी के हवाई यात्रा का सुरक्षा का जिम्मा भारतीय एयरफोर्स की होती है। पीएम के हवाई जहाज के आगे 3 सुखोई MKI, 2 हाल तेजस और 1 अवाक सर्विलेंस प्लेन भी मौजूद होता है। पीएम मोदी दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग में 5 नंबर बंगले में रहते हैं। इस जगह पर 500 SPG कमांडोज 2400 घंटे पीएम की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। यहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लोक कल्याण मार्ग के 1 नंबर बंगले में हेलीपैड बना हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी को कहीं जाना होता है तो वह इसी हेलीकॉप्टर से जाते हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सुरंग भी बनाई गई है, जो सीधे सफदरजंग एयरपोर्ट पर खुलती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, किसकी सिक्योरिटी ज़्यादा खतरनाक है, प्रधानमंत्री मोदी या इमरान खान? okay, guys, वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी बीच में और अगर आपको हमारी हंसी बंद नहीं हो रही थी तो प्लीज इसे लाइक करें।
कि आला शख्सियत एक लाइक सिक्योरिटी में हमें बहुत खुशी ऐसे भी अफराद जो डकैतियां मार कर रहे हैं ना भूले यार ऐसा होता है यहां ऐसा रियली मतलब ये क्या कह सकते हैं अफसोस की बात है कि यहां पे ऐसी ये रियलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर पुलिस ही जो है ना डकैतियां मारने में चोरी करने में उनके साथ मिली होती है अगर डायरेक्ट लगी होती तो बहुत सारे केसेस सामने भी आए हैं और उनको सजाएं भी हुई हैं पुलिस वालों को फिर उनको मौत किया जाता है उन पर फिर केस चलते हैं और पता लगता है जी फलां ऐसा चूंकि जेरे निगरानी फलां चोरी हुई वाह जी वाह ये बड़ी हंसने वाली एक मतलब हंसा देने वाली बात थी सेकंड धमाका हुआ था नाजरीन सेकंड धमाका हो चुका है वो पेंट उतर गई तो बाकी मैंने वीडियो शुरू होने से पहले भी हसन प्रेडिक्शन की थी कि मुझे लगता है मोदी जी की सिक्योरिटी ज्यादा सख्त होने वाली है बिल्कुल ना उनके लिए बैंगलोर में 500 ज्यादा एसएसजी सिर्फ वहीं पे और एक सुरंग भी उनके लिए स्पेशल सुरंग बनाई हुई है हेलीपैड वहीं पे हेलीकॉप्टर मतलब स्पेशल उनका जो है ना करने के लिए और हमारे पीएम साहब दो पीएम हाउस में रह ही नहीं रहे सुभान अल्लाह वो तो बनीगाला में रह रहे हैं तो वहां से इमरजेंसी मेरे ख्याल में अगर निकलना हो उसे रेंट पे दे दो तो अगर इमरजेंसी में बनीगाला से निकलना हो तो पता नहीं मुझे कोई इन्होंने इंतजाम किया है कि नहीं किया होगा अभी ये तो पता नहीं अल्लाह जाने इनको ही पता होगा एसएसजी कमांडोज को लेकिन ये हम कह सकते हैं एसएसजी कमांडो जो बेस्ट कमांडोज जो है ना कंसिडर किए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर ठीक है उनकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड होती है लेकिन फिर भी यार टू लेयर सिक्योरिटी मेरे ख्याल में ये भी बहुत है पाकिस्तान में ना क्योंकि वैसे भी जैसे मोदी जी जाते हैं वैसे ही पाकिस्तान में भी सील कर दिया जाता है पूरा एरिया और इन्होंने एम्बुलेंस की बात की ये गलत मेरे ख्याल में की एम्बुलेंस होती है 24 घंटे वो तो नवाज शरीफ के काफिले में भी मतलब थी इमरान खान के काफिले में भी होती है वो तो एक सिंपल वजीर आला चीफ मिनिस्टर या कोई वैसे ही कोई मतलब मिनिस्टर हो ना एक स्टेट का थोड़ा सा ज्यादा न्यूट्रल हो जाते अगर थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेते पाकिस्तान काफी और चीजें मिल जानी थी मिल सकती थी और भी ना मैं वही एम्बुलेंस वाली जैसे उन्होंने बात किया ये हो ही नहीं सकता मतलब चीफ मिनिस्टर के साथ एक जाना होती है एम्बुलेंस क्यों ऐसे कह रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान के अंदर वीआईपी कल्चर बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा आपको क्या बताऊं प्रोटोकॉल इतना है बहुत ज्यादा ठीक है ना मतलब इतना पैसे क्यों प्रोटोकॉल मतलब सोच नहीं सकते आप जितना प्रोटोकॉल जो है ना ये यूज करते हैं जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं चीफ मिनिस्टर्स हैं ठीक है ना वो मेरे ख्याल से बंदे ने ज्यादा रिसर्च नहीं की इसलिए उन्होंने कहा एम्बुलेंस नहीं एम्बुलेंस सर एम्बुलेंस ही होंगी मेरे ख्याल में एम्बुलेंस एक नहीं बहुत होंगी इस तरह की मतलब यहाँ प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं और इसलिए तो पब्लिक फिर इन पे गुस्सा रहती है भाई आप इतना प्रोटोकॉल किस लिए यूज कर रहे हो ठीक है ना एक काफिले के अंदर नवाज शरीफ जाता था हसन वीडियोज वायरल होती थी 60-60 गाड़ियां बुलेट प्रूफ और पता नहीं कौन सी गाड़ियां नवाज शरीफ के साथ जा रही होती थी बिलावल जरदारी बिलावल भुट्टो आपको पता होगा ये सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं मतलब वहां पे पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी जो हैं उनके बेटे हैं 100 गाड़ियों का एक बार काफिला लेके गए हुए थे पता नहीं कहाँ पे मतलब इतनी यहाँ पे इतना प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है और ये तो प्राइम मिनिस्टर हैं फिर वही आपको बता रहा हूँ मोदी जी एट द एंड मैं फिर भी कहूँगा कि मोदी जी हमारे से काफी ज्यादा नहीं वो तो मैंने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी वाली है ना वो तो पाकिस्तान सर टू लेयर सिक्योरिटी है मोदी साहब की 5 लेयर सिक्योरिटी है ये भी देखने वाली बात है 5 लेयर सिक्योरिटी है उनकी और प्रॉपर तरीके से मतलब उन्होंने सारी डिटेल से बताया गया इसमें बहुत बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सिक्योरिटी सख्त अगर बात की जाए तो वो मोदी जी की ही है ठीक है यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं और आला शख्सियत की अगर सिक्योरिटी बनना है तो डिकेटियाँ मारो जरूर करनी पड़ेगी बस इसी के साथ मेरे ख्याल में वीडियो को एंड करते हैं कैसे मैं तो वीडियो देखे बहुत मजा आया आपको भी मजा आया होगा अगर मजा है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अपना रखें बहुत ख्याल टेक केयर अल्लाह हाफिज़ खुदा हाफिज़